देखिए बिल्कुल, बड़ा तालाब का काम लगभग 80% पूरा हुआ, 20% बाकी है। और कुछ क्षेत्रों में आज बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, उसको देखते हुए आप देखे होंगे पिछले 20 दिन पहले हम लोगों ने एक नोटिस जारी कराया है। वहाँ कुछ नॉन वेजिटेरियन मुर्गा हो, अंडा हो, इस तरह के लोग बेच रहे हैं और उसके अवशेष उसी तालाब में डाल रहे हैं, तो वो कैसे बंद हो उसको सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी की गई है। और हमने नगर आयुक्त को भी कहा कि विशेष रूप से हमें बड़ा तालाब को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। हमारा एसटीपी का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि एसटीपी के निर्माण के बाद नालियों की जो दुर्गंध है वो भी आनी बंद हो जाएगी, तब हम बड़ा तालाब का एक अच्छा स्वरूप देखने को। देखिए बकरी बाजार में एक बहुत बढ़िया योजना बनी है और वो अभी भी, देखिए निगम में मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा बात नहीं रखा, निगम में आज भी मैन पावर की कमी है। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन प्रतिनिधि निगम और सरकार में बननी चाहिए वो नहीं हो पाई है, जिसका भी परिणाम है कि बहुत सारी योजनाएं जो जनप्रतिनिधि के मन में है वो पटल पे नहीं दिखता। नहीं तो आप सब में जो लोग 2017 में आते होंगे आपको ध्यान में होगा, जब हम हमारे तत्कालीन सीओ प्रशांत कुमार थे तो हम लोगों ने रांची शहर में घूम के बकरी बाजार, उल हाउस के सामने, क्लब के सामने, ऐसे कई पार्किंग स्थलों का चिन्हित किया था डेली मार्केट के सामने, लेकिन उनको लागू हम नहीं कर पाए। अभी भी बकरी बाजार का प्रोजेक्ट ऑन द वे है, हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक प्रयास किए हैं और हमको लगता है कि वो इस बार बाउंड्री भी हो रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द ही रांची वासियों को वहाँ एक बड़ा पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।